वेलकम टू सोशल नेटवर्क। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 से 10 साल पुराने पाकिस्तानी बेहतरीन ड्रामास के बारे में। नंबर 5 पर जो बेहतरीन ड्रामा सीरियल है उसका नाम है ज़िंदगी गुजारी है, जिसमें आप लोगों को फवाद खान और इनके साथ आप लोगों को पाकिस्तान की मल्टी टैलेंटेड अदाकारा सनम सईद देखने को मिली थी। ये ड्रामा सीरियल तकरीबन 6 से 7 साल पुराना ड्रामा सीरियल है, लेकिन एक काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। ड्रामा सीरियल ने की जो रेटिंग थी वो 8/10 थी और इस ड्रामा सीरियल ने जो हाईएस्ट टीआरपी है वो 19.2 की ली थी और उस वक्त का ये एक बहुत बड़ा ड्रामा सीरियल भी था। इसके बाद एक और फवाद खान का ड्रामा सीरियल आता है जो कि 2011 में नशर किया गया था। ड्रामा सीरियल का नाम है हमसफर, जिसको दोस्तों लिखा था फरहत इश्तियाक ने और ड्रामे को डायरेक्ट किया था सरमा सुल्तान खोसट ने। इस ड्रामा सीरियल में भी आप लोगों को फवाद खान मैन लीड में देखने को मिले थे। ये ड्रामा सीरियल भी काफ़ी बड़ा मकबूल ड्रामा सीरियल था, 2011 का एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। ड्रामा ऑफ द ईयर का इसको अवार्ड भी मिला था। इस ड्रामा सीरियल की जो हाइस्ट टी आर पी थी वो 12.9 की थी और रेटिंग 9/10 थी। इसके बाद जो ड्रामा सीरियल तीसरे नंबर पर आता है उसका नाम है प्यारे अफजल, जो कि 2013 में एयर वाइड डिजिटल की तरफ से नशर किया गया था। ड्रामा सीरियल को खलील और रहमान कमर साहब ने लिखा था और नदीम बेग ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था। इस ड्रामा सीरियल में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिले थे हमजा अली बासी और आयजा खान और सना जवेद आप लोगों को मैन लीड में देखने को मिले थे। और ये हमजा अली बासी का ये वो ड्रामा सीरियल था जिसकी वजह से इन्हें शोबिस में शोहरत मिली थी और ये काफ़ी बड़ा मकबूल ड्रामा सीरियल था और 2013 में इस ड्रामा सीरियल को भी ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। हमें की हाइस्ट टी आर पी के बारे में बात करें, 18.2 की इसने हाइस्ट टी आर पी ली थी और 9/10 इस ड्रामा सीरियल की रेटिंग थी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो ड्रामा सीरियल है उसका नाम है खुदा और मोहब्बत सीज़न 1, जो उसका पहला सीज़न था दोस्तों वो 2015 और 16 में नशर किया गया था और काफ़ी बड़ा मकबूल ये ड्रामा सीरियल था। पहले दो सीज़न में आप लोगों को दोस्तों इमरान अब्बास और सादिया खान देखने को मिले थे और ये एक काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। पहले नंबर पर जो ड्रामा सीरियल है उसका नाम है मेरे पास तुम हो, जो कि 2018 और 19 में नशर किया गया था एयर वाइड डिजिटल की तरफ से और इस ड्रामा सीरियल को भी ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और ये टी आर पी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रामा सीरियल भी है, जिसने तकरीबन 38.4 की हाईएस्ट टीआरपी ली थी और आज दिन तक किसी भी ड्रामा सीरियल ने इससे ज़्यादा की टीआरपी नहीं ली। इस ड्रामा सीरियल में हुमायूं सईद और आप लोगों को आयजा खान देखने को मिले थे। खलील और रहमान कमर ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा था और बदर महमूद ने ड्रामे को डायरेक्ट किया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।